नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13, 14, 15 और 16 मई के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। नवी राशि लेते हैं, सजिटेरियस यानी धनु राशि। 13 मई के दिन आप अच्छे इंसान जितना बने रहेंगे उतना आपको फायदा होगा, लेकिन इन सब के बावजूद आपको ये ध्यान देना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में खराब भी हो सकती हैं। अगर कुछ चीज़ें आपके अनुरूप नहीं होती हैं, आप कुछ समस्याओं को आता देखते हैं, तो इन्हें नियति माने और इस प्रकार से माने कि ये स्वतः आई हैं और स्वतः चली जाएंगी। आपको चाहिए कि इस दिन आप अपने मूड को किसी भी प्रकार से स्विंग ना होने दें, परिवर्तित ना होने दें। जितना ज़्यादा आप सकारात्मक रह सकते हैं उतना ही दिन आपके फेवर में जाएगा, लेकिन अगर नकारात्मक विचारों से एक बार आप भरे तो आप नकारात्मक विचारों के प्रवाह को रोक नहीं पाएंगे। 14 मई के दिन आप धन की प्रचुरता का अनुभव करेंगे, जब आपको ऐसा फील होगा कि धन आपके लिए वह सब कर रहा है जो आप चाहते थे कि धन आपके लिए करे। हालांकि आपके पास धन जितना भी हो, कम या ज़्यादा, आप उससे एक संतुष्टि का अनुभव जरूर करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे मदों में भी आपका धन खर्च हो जाए 14 मई के दिन, जिनमें आप सामान्य तौर पर धन को खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में अपने खर्चों को थोड़ा नियंत्रित करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। 14 मई के दिन आपका परिवार आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच रखेगा और आपका अप्रोच भी परिवार के लिए पॉजिटिव रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग व सानिध्य मिलेगा, उनमें आपके प्रति सम्मान की भावना जगेगी। 15 मई के दिन आप स्वयं को अकेला पा सकते हैं, जब आपको ऐसा लगे कि आप जिस मार्ग पर हैं उस मार्ग पर आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा। अगर ऐसी फीलिंग आती है और आप आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, लेकिन अगर आप डर जाते हैं और रुक जाते हैं तो आपको चाहिए कि अपनी योजना पर पूरी तरह से काम करें कि किस प्रकार से लोगों को जोड़ करके आप अपनी योजना में शामिल करके योजना को आगे ले जा सकते हैं। 15 मई के दिन नए रिलेशंस के बनने की भी संभावनाएं बन रही हैं। 16 मई के दिन आप काफ़ी सशक्त व्यक्ति की तरह से रहेंगे। कुछ लोगों को आपके स्वभाव में रूखापन महसूस हो सकता है, हो सकता है आपका क्रोध इस दिन आपके कंट्रोल में ना आए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्रोध करने से पहले और क्रोध करने के बाद भी। अगर आप क्रोध के वशीभूत होकर किसी से कुछ कह देते हैं और बाद में आपको लगता है कि आपने गलत किया है, तो भी आपको झुकना नहीं चाहिए। अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखना चाहिए कि जो कुछ भी आपने आमंत्रित किया है उसका आप सामना करेंगे, क्योंकि एक बार आप झुक गए तो आप अपनी इमेज को स्वतः ही खराब कर देंगे, जिसे वापस सुधारने में बहुत समय लग जाएगा। इस दिन आप कुछ गंभीर और कठिन मसलों पर निर्णय लेने का कार्य कर सकते हैं। ओवरऑल प्रेम संबंधों के लिए 13 और 15 तारीख बहुत अच्छी तिथियां नहीं हैं, 14 तारीख सबसे बढ़िया है, 16 तारीख सामान्य है। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 13, 14, 15 और 16 मई के लिए। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप अपने सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।